रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं चिकन एग रोल, चिकन वेजिटेबल एग रोल। इसको सर्दियों में खाने का बहुत दिल चाहता है, इस वजह से हमने सोचा कि आज हम ये बनाते हैं। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेट मी टेल यू गाइस। तो वी नीड कैप्सिकम फॉर दिस। कैप्सिकम मेरे पास दो कलर्स के थे तो मैंने दोनों ही कट कर लिया है, यू कैन टेक एनी कलर। और वैसे तो ग्रीन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है देन ग्रीन। फिर मेरे पास है यहाँ पर ग्रीन अनियन, एंड देन फिर मेरे पास है चिकन। चिकन को मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और गार्लिक एंड जिंजर के पेस्ट के साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया था, उसके बाद श्रेड करके रेडी कर लिया था। देन आई हैव कैरेट्स, कैरेट्स को मैंने जूलिन कट कर लिया है। उसके बाद मेरे पास ये है बॉयल्ड एग, बॉयल्ड एग का मैंने व्हाइट पार्ट लिया है और इसको मैंने योक निकाल दिया है। दिस इज एक्चुअली ब्लैक पेपर एंड देन दिस इज सॉल्ट एज पर टेस्ट आई विल यूज, एंड देन वी हैव विनेगर, विनेगर के साथ है चिली सॉस एंड देन सोया सॉस। इसके साथ मुझे चाहिए होगा ऑयल एंड गार्लिक चॉप्ड, वो जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। स्टे ट्यून। ऑलराइट, सो ये मैंने ऑयल ले लिया है पैन में, उसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है। इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी और फिर जब थोड़ा सा अरोमा आने लगेगा उसका, देन आई विल ऐड मोर वेजिटेबल्स इन इट। सो स्टे ट्यून। ओके जी, तो ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। ये सारी वेजिटेबल्स मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ, कोई वेट शेट करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो ये पैन में मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं और कलर देखें कितने हसीन कलर हैं माशाल्लाह। और अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, वी जस्ट हैव टू जस्ट स्टिर देम एंड चीज़ें ऐड करने के बाद, लाइक सॉस वगैरह ऐड करने के बाद, मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर इसको फाइनल कर देंगे। ओके, सो ब्लैक पेपर मैं अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, फिर मैं अब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, अब मैं विनेगर ऐड करूँगी इसके अंदर अराउंड 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें चिली सॉस, दैट इज ऑल्सो 1 टेबल स्पून। थोड़ा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी रेडी नाउ। कलर चेक करें आप, कलर कितने खूबसूरत कलर हैं। और चाइनीज़ में चीज़ों को बिल्कुल भी हमें मतलब यू नो एक्स्ट्रा कुक नहीं करना होता, थोड़ा सा क्रंच वेजिटेबल्स का रहने देना होता है ताकि आपके आपको थोड़ा फ्लेवर आए और आपको थोड़ा सा खाने में भी मज़ा आए। मैं बस इसको 1 मिनट और पकाऊंगी एंड देन वी आर गुड। इसके बाद हम बनाएंगे एग रोल के रैप्स। ओके जी, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है एंड दिस इज रेडी नाउ। अब चलते हैं रैप की तरफ। ओके जी, तो ये है इंग्रेडिएंट्स शीट बनाने के लिए रैप के लिए। तो रैप के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मैदा 1/4 कप, अंडे जो है वो 2 अदद, और 1 कप दूध, नमक, और ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये वाला बोल है जिसके अंदर मैं सारी मिक्सिंग करूंगी और बैटर रेडी करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो मैंने अंडे ले लिए हैं और दोनों अंडे मैंने तोड़ दिए हैं, हम इनको करेंगे मिक्स। अब इसी के अंदर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसके अंदर दूध डालेंगे। और दूध के साथ मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, सॉल्ट शुड बी एज पर टेस्ट। और अब मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, ओके, और अब मैं डालूंगी मैदा। और अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर आपको बस इतना सही लेना है, दैट्स इट। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये मिक्सिंग के बाद कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपकी
जो अच्छे से बन सके और सॉफ्ट बने। अब बस एक पैन में हम ऑयल लेंगे, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लेना ताकि जैसे आपका पैन का जो सरफेस है वो थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए और वो आपका बैटर चिपके ना। और आपने अब ये थोड़े से बोल इसमें से लिया, इसमें एक ऐसा स्पून अगर आप ले लेंगे दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट यू नो पोर द मिक्सचर इन द पैन। और फ्लेम बिल्कुल आपका मीडियम टू लो होना चाहिए। अब ये अब इसकी मैं एक साइड को पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब ये क्रिप पकड़ लेगा एंड देन आई विल फ्लिप इट। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर साइड से चेंज होना शुरू हो रहा है और इसने ग्रिप लेनी शुरू कर दी है, लेकिन मैं अभी फ्लिप नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा सा इसका पार्ट अभी बीच में है जिसको पकना है। तो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम एंड देन आई विल फ्लिप इट। ओके, तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि बाद में हमें इसको फ्राई भी करना है, तो इसलिए मैं इसको ये देखिए लाइट सा टेक्स्चर आने के बाद मैं इसको जो है फ्लिप कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा ही हम इसको अदर साइड पर ही पकाएंगे और फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे। ऑल राइट, तो मैं बस इसको इतना ही पकाऊंगी एंड आई विल बी डिशिंग इट आउट। तो आप देखते हैं ओके जी, तो मैंने ये डिश आउट कर लिया है। अब इसी तरह मैं बाकी भी रैप्स बना लूंगी और फिर मैं आपको इसको फाइनल रैपिंग की शेप में दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। ऑल राइट जी, सो अब आप बारी आ गई है हमें रोल बनाने की। तो हमारे पास टॉर्टिला रेडी है और ये है ब्रेड क्रम्स, ये है मेरे पास एग, एग मैंने खुली प्लेट में ले लिया ताकि मुझे इसको रोल करने में आसानी हो। और ये मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर है जो कि मुझे इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करें और इट इज़ रेडी। और ये वाला हमारा जो सारा वो जो मिक्सचर हमने बनाया था वेजिटेबल का, वो हम अभी इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो पहला काम ये करना है कि हमें मिक्सचर को यहाँ पर प्लेस करना है। तो ये मैं मिक्सचर ले रही हूँ थोड़ा सा और मैं ये सेंटर में इसको रख दूंगी। ओके जी, सो करना ये है कि आपने यहाँ से साइड्स फोल्ड करनी है और फोल्ड करने के बाद आपने इसको यूं करके रैप करना है और यहाँ पर हम वाला मिक्सचर लगा देंगे। और वो मिक्सचर लगाने के बाद मैं इसको फाइनल रोल कर दूंगी। तो ये मेरा रोल रेडी है। अब मैंने इसको ब्रेड क्रम में डालना है एंड देन एग में डालना है, सॉरी एग में फर्स्ट डालना है एंड देन ब्रेड क्रम में डालना है और फिर ये रोल मेरा फ्राइंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये हम अभी इसको एग में रोल करेंगे। अब मैं इसके बाद इसको ब्रेड क्रम में रोल करूंगी। और अब ये हमारा रोल फ्राइंग के लिए रेडी हो जाएगा। ओके जी, तो ये मैंने रेडी करके अपनी ट्रे में रख लिया। इसी तरह मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी और आपको फ्राई के टाइम दिखाऊंगी। ऑल राइट, सो ये सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं, अब मैं इनको फ्राई के लिए लेके जा रही हूँ। ओके जी, तो मैं अब मेरा पैन बिल्कुल रेडी है, गर्म है बहुत ज़्यादा और इसको बस मैंने अभी फ्राई करना है और दैट्स टेक इट आवर। तो अब मैं इसको फर्स्ट रोल को, क्योंकि मेरे रोल थोड़े बड़े बड़े हैं, मैं इनको फ्राई करूँगी वन बाय वन। ऑल राइट, तो ये मैंने एक रोल तो फ्राई कर लिया है, अब मैं इस तरह बाकी भी रोल फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ऑल राइट, सो ये मेरी डिश का फाइनल लुक है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही रैप तो बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प कलर के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन के लिए मैंने साथ में पुटे कैरेट्स रख दिए हैं। तो आई होप यू गोना लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, अल्लाह हाफिज़।